हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मटकन वाइब्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई जस्ट होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम अगेन बात करने वाले हैं मीशो के एक रैंडम हॉल वीडियो की, जहां से मैंने थोड़ी बहुत चीजें बाय करी हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी, जो मुझे लग रही थी कि हाँ मुझे बाय करनी चाहिए, तो मैंने वो चीज बाय करी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आपको क्या क्या दिखाने वाली हूँ आज इस वीडियो में, और मुझे क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा वो भी बताऊंगी। ज्यादा कुछ चीजें मतलब मैंने बाय नहीं करी, और मैं आपके साथ लोगों के साथ में शेयर भी नहीं करने वाली हूँ। बहुत कम चीजें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, कम से बस 3 या 4 चीज होगी, बस ज्यादा नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊंगी उनका ऑनेस्ट रिव्यू कि मुझे कैसे लगी और मुझे कैसे प्रोडक्ट रिसीव हुए। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कलरफुल हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। ये मुझे काफी पसंद आया, मुझे बहुत अच्छे लगे, जैसा मैंने सोचे थे मुझे एग्जैक्ट वैसे ही मिले। तो हम ज्यादा बातें नहीं करते, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबके लिंक और प्राइस आपको स्क्रीन पे मिलेंगे, आप प्लीज स्क्रीन जरूर चेक करते रहना और स्क्रीन पे देखते रहना कि क्या प्राइस है और क्या एक्चुअल प्रोडक्ट मैंने बाय किया था और क्या मुझे रिसीव हुआ, वो सब आपको स्क्रीन पे ही देखने को मिलेगा। बाकी सब तो मैं आपको दिखाई रही हूँ जो भी मुझे मिलेगा, और रिव्यू आपको पता ही है, मैं सब कुछ ऑनेस्टली बताती हूँ कि हाँ क्या है, कैसा मिला कैसा नहीं मिला, तो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ में बताऊंगी। तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना, इनमें से कुछ भी चाहिए हो तो आप डेफिनेटली मेरे लिंक के थ्रू जाकर आप बाय कर सकते हैं। आपको एक ही लिंक पे आपको सबको सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, तो आप प्लीज उस लिंक पे जाके सब कुछ चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि होने वाला है मीशो से। मीशो से मैं बहुत ज्यादा पहले की बात, जो मैंने मंगाया था, मैंने नाइट वेयर किया था, उसके बाद में मेरे साथ वापस वैसा ही सीन होने वाला है। अभी भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक कोट सेट की, जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। एक कोट सेट जो मुझे बहुत पसंद आया था स्क्रीन पे, और जैसा दिखाया था एग्जैक्ट मुझे वैसा ही मिला, लेकिन इसमें ये एक ही पीस अवेलेबल था और एक ही साइज अवेलेबल था, वो था डबल एक्सेल। तो मैं आपको बताती हूँ कि मुझे ये क्यों वापस रिटर्न करना पड़ेगा, ये मुझे वापस रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये है इसका पैंट जो कि आप देख रहे हैं, और इसका मटेरियल जो है कि रियोन फैब्रिक है। रियोन बहुत ज्यादा सॉफ्ट फैब्रिक होता है और बहुत अच्छा है। इसका मटेरियल बहुत प्यारा है, बहुत बहुत स्मूथ सा है, बहुत अच्छा है, मतलब समर के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा अप्रोप्रिएट इसका मटेरियल है। लेकिन मैं इसकी बात बताऊं आपको, ये डबल एक्सल था, जबकि मेरी साइज एक्सल है, लेकिन ये डबल एक्सल में भी ये मुझे छोटा है। आई डोंट नो उन्होंने ऐसा क्यों दिया है कि डबल एक्सल, लेकिन उन्होंने मुझे लगता है कि साइज मीडियम ही है, इसका लार्ज भी नहीं है, मीडियम है। तो इसका पजामा जो आप देख रहे हो, यानी कि जो इसका पैंट है, ये पैंट आपको मिलेगा पूरा का पूरा जैसा स्क्रीन पे दिखाया, सेम एग्जैक्ट वैसा ही। बहुत प्यारा कलर है, बहुत प्यारा 31 इसकी प्रिंट है, बहुत सुंदर प्रिंट है, बहुत प्यारी है। कॉटन और रियोन में है, लेकिन ये रियोन फैब्रिक है, लेकिन इसमें कॉटन मिक्स में मिल जाएगा आपको थोड़ा बहुत। तो ये पैंट है इसका, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा टाइट है, मतलब ये डबल एक्सेल के हिसाब से मुझे बहुत ज्यादा लूज होना चाहिए था, लेकिन इसका उल्टा हो गया। तो ये इसका पैंट है जो मुझे बहुत ज्यादा टाइट है, और ये है इसका काफ्तान। ये मतलब ये काफ्तान कोट सेट है, जो ये काफ्तान वाला जो मैं आपको बताती हूँ, ये डबल एक्सल मैंने बाय किया था। ये मेरा इतना ज्यादा लूज है ना भाई साहब, मैं इसको कितना ही टाई कर लूँ तो भी ये मेरा बहुत ही ज्यादा लूज है। मैं इसके एग्जैक्ट इमेज आपको बता दूंगी, यहाँ से इसको आप टाइट कर सकते हैं, पर आप कितना टाइट करोगे बताओ, कितना टाइट करोगे? फिर ज्यादा टाइट होती है, इतना बेकार सा लग रहा है। तो ये काफ्तान है, इसका प्रिंट भी बहुत ज्यादा प्यारा है, देखिए आप कितना सुंदर प्रिंट है, मतलब इतना वाइब्रेंट होके आ रहा है ये कलर, और ये प्रिंट बहुत ज्यादा प्यारा है। लेकिन समर के अकॉर्डिंग ये बहुत सुंदर पीस है, लेकिन ये मेरे फिट ही नहीं हो रहा है, मतलब इसका जो पैंट है वो मुझे बहुत ज्यादा टाइट है, और जो ये ऊपर का है, यानी कि जो काफ्तान है वो बहुत ही ज्यादा ढीला है, मतलब बहुत ज्यादा लूज है। तो अब मैं इसका क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आया। तो ये मैं इसको वापस रिटर्न करने वाली हूँ। तो इसकी प्राइस जो है मैं आपको स्क्रीन पे लगा दूंगी, ये आपको चाहे 400-500 रुपए के अंदर मिल जाएगा, तो इसकी प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे लगा दूंगी। और ये एक ही प्रोडक्ट था, मेरे बाय करने के बाद भी आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, लेकिन मैं इसको रिटर्न करने वाली हूँ वापस। जो भी इसको बाय करना चाहे वो बाय कर सकता है, जो मतलब जिसका ऐसा हो कि ठीक है वो थोड़ा बहुत टाइट करवा लेगा, या क्योंकि इसका तो कुछ हो नहीं सकता, जो मेरी साइज के हैं वो लोग इस पैंट का तो कुछ करवा नहीं सकते, क्योंकि बहुत ही ज्यादा टाइट है। और ये जो है इसका आप जरूर करवा सकते हो, आप इसको टाइट करवा सकते हैं, लेकिन जब आप इसका पैंट ही यूज नहीं कर सकते हो तो इसका आप लेके क्या ही करोगे। इसलिए मैं इसको वापस रिटर्न करने वाली हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा प्यारा है, बहुत 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 अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया था। लेकिन ये बस इसका एक इशू है कि इसका पैंट मुझे टाइट है, और ये मैं टाइट करवा भी लेती, लेकिन अब इसको मुझे रिटर्न करना पड़ेगा पैंट की वजह से। तो ये था मेरा पहला फेस। लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ एक बहुत ही प्यारा सा मैंने ब्लाउज ऑर्डर किया था, लेकिन उन्होंने मुझे सेम मटेरियल, मैं नहीं कह सकती कि वो भी सेम मटेरियल था, ये भी सेम मटेरियल है, आई डोंट नो, बट मैंने जो ब्लाउज लगाया था उसकी इमेज मैं आपको साइड में लगा दूंगी कि आपको समझ में आ जाएगी मैंने कैसा ब्लाउज ऑर्डर किया था और उन्होंने मुझे कैसा ब्लाउज भेजा है।
ये 400 रुपए के अंदर यानी कि 400 रुपीज का ये ब्लाउज था जो कि स्टिच था। मुझे व्हाइट ब्लाउज चाहिए था ऑफ व्हाइट, तो इसका कलर वैसा ही है ऑफ व्हाइट जो मैंने बाय किया। ठीक है, कलर की कोई इशू नहीं है, कलर का कोई इशू नहीं है, सॉरी। लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ, ये ब्लाउज है इस तरह का, ये आप देख सकते हैं इस तरह का ब्लाउज है। ये पूरा का पूरा एम्ब्रॉयडरी है, ये पूरा एम्ब्रॉयडरी है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये जो आपको देख रहे हैं, ये आपको एल्बो तक इसकी बाजू मिल रही है, ये इस तरह से है। और ये पैडेड है, ये पैडेड है, ये पैडेड ब्लाउज है, पूरा का पूरा आपको इसमें पैड मिलेंगे। और ये पीछे से इस तरह से है, ये देखिए इस तरह से आपको पीछे की साइड में आपको हुक मिलेंगे। और ये पूरा का पूरा मशीन वर्क है, आप देख सकते हैं पूरा, मैं आपको पास दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से बीच बीच में सीक्वेंस लग रहे हैं, हल्के हल्के सीक्वेंस लगे हुए हैं। और ये ब्लाउज है, इसकी इसकी जो स्लीव्स है ये मुझे बहुत पसंद आई, इसकी बहुत अच्छी स्लीव्स है। ये देखिए इस तरह से इसकी स्लीव्स है, लेकिन इसका जो है मटेरियल मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी, क्योंकि इस पे लिखा था कॉटन और मुझे कॉटन ही चाहिए था ब्लाउज, लेकिन ये कॉटन नहीं है। इसके अंदर बहुत ही पतला सा ऐसा कपड़ा यूज किया है इन्होंने, देखिए इस तरह से बहुत ही पतला सा कपड़ा यूज किया है जो कि बहुत ही जल्दी फट जाएगा। और मुझे इसका ब्लाउज का कोई पैटर्न समझ में नहीं आया, क्योंकि जो मैंने ब्लाउज मंगवाया था उसका पैटर्न बहुत अलग था। उसके नीचे की साइड मतलब टक करने के लिए थी डोरी, जिसमें ऊपर की साइड में टक करने के लिए डोरी थी, और यहाँ से बंद है, जबकि यहाँ से वो ओपन था, फिर उसको बंद करने का सीन था। आपको इमेज लगा के समझ में आ जाएगा। इसकी बाजू मुझे बहुत पसंद आई, इसमें बाजू में मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन इसके बाजू में भी मैंने जो ऑर्डर किया है वो फुल लेंथ थी बाजू, और ये है जो है एल्बो तक है, तो ये एल्बो तक की बाजू मुझे नहीं चाहिए थी, मुझे फुल बाजू चाहिए थी। तो ये एक ब्लाउज इस तरह का, ये देखिए आप, इसमें इस तरह से सीक्वेंस का वर्क है, और ये ऐसे अच्छा लग रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्राइस बहुत ज़्यादा कॉस्टली लग रहा है, तो मुझे इसको भी वापस रिटर्न करना पड़ेगा। और इसका जो मैंने मंगाया था, इसकी मेरी बस साइज थी 34, तो मैंने 34 के अकॉर्डिंग मंगाई थी, तो ये मुझे सही आया था, थोड़ा सा लूज था, मुझे थोड़ा सा अल्टर करवाना पड़ता, लेकिन इतना सा होना चाहिए। लेकिन आपको इतना सारा मार्जिन भी मिलता है अंदर, ये देखिए इतना सारा आपको मार्जिन मिलता है, तो आप इसको लूज या टाइट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो मैंने मंगवाया था ये वैसा नहीं है, इसलिए मुझे इसको रिटर्न करना पड़ेगा। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट प्रोडक्ट, जो कि मैंने लिया है एक किचन एप्रिन, ये एक एप्रिन है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लग रहा है, आपको भी देखने में बहुत सुंदर लग रहा होगा। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, जो मैंने बाय किया था वहां पे, यहाँ की साइड जो इन्होंने ये पॉकेट बना के दिया है इस तरह से, वहां इस पॉकेट पे बना हुआ था टेडी, तो मैंने टेडी वाला बाय किया था, लेकिन उन्होंने मुझे ये भेज दिया। तो ये भी अच्छा है, ठीक है, अच्छा लग रहा है, उसी के उसके जैसा ही लग रहा है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये मैंने रिटर्न नहीं किया, मैंने कहा ठीक है रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा बहुत नहीं मुझे पसंद आया, इसलिए मैं रख रही हूँ। सीरियसली बताऊँ तो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि वॉशेबल है, कुछ भी ऑयल वगैरह लगेगा तो आप आराम से इजिली ये धुल जाएगा, वॉशेबल है, कॉटन का भी नहीं है, तो उससे ज्यादा अच्छा है। क्योंकि जो कॉटन मटेरियल में लेते हैं वो बहुत ही ज्यादा गंदे हो जाते हैं, उनकी स्पॉट्स भी नहीं जाते हैं किचन में, इसलिए मुझे ये काफी अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये बाय कर लिया और ये मैंने रख भी लिया, तो मैं इसको रखने वाली हूँ। उसके बाद मैंने ये बाय किए हैं क्यूशंस, ये इस तरह से क्यूशंस मिलेंगे आपको, मुझे मैंने आठ का सेट लिया है, तो ये मुझे आठ का सेट मिला, ये आपको 600 के अंडर मिल जाएंगे। तो ये इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अंदर, जिसमें आपको इतने सारे कलर्स मिलेंगे, देखिए मैं दिखाती हूँ, बाकी और भी दिखाती हूँ, जो भी बहुत प्यारे हैं, मतलब इनके कलर बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट हैं, बहुत सुंदर है कलर, मतलब आपको घर के अकॉर्डिंग अगर आपको सोफा वगैरह पे रखने हैं और एज ए डेकोरेशन के हिसाब से लेने हैं, तो आपको बहुत प्यारे हैं, ये मुझे बहुत पसंद आए। ये देखिए इतने सारे क्वेश्चंस हैं, एक इसमें आपको मिलेगा ये ग्रीन कलर, और इन सबके पीछे ना एक जिप दी हुई है, पता नहीं जिप क्यों दी है इन्होंने, मुझे चीज़ समझ में नहीं आई, तो उन्होंने जिप दी है, तो ये जिप का क्या काम है मैं भी देख लेती हूँ, एक्चुअली मैंने देखी नहीं है कि इस जिप का क्या काम है। तो इस तरह से इन्होंने ये इसमें ये भर रखा है, ये देखिए देख सकते हैं आप, तो हो सकता है कि ज़्यादा गंदे हो जाए तो आप इसको निकाल के वापस इसको वॉश करके वापस इसके अंदर भर दो, तो ये वाली चीज़ हो सकती है, बट आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है, आप लोग बता देना मुझे कमेंट में और कर देना। तो ये चीज़ बहुत प्यारी है, ग्रीन कलर है, ये एक इसका इस तरह का कलर है, बहुत ही प्यारा सा वाइब्रेंट सा कलर, एक ये इसका पिंक कलर है, एक ये स्काई ब्लू कलर है, एक रेड कलर है, एक वाइट कलर है, और एक ये वो बेबी पिंक था, और ये थोड़ा सा मजेंटा पिंक में है, यानी कि बहुत ही मजेंटा से भी थोड़ा सा हल्का सा और ही कलर है पिंक वाला, और ये एक ब्राउन कलर, यानी कि इतने सुंदर सुंदर कलर है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखिए इतने सुंदर सुंदर, मुझे बहुत पसंद आई, ये मुझे बहुत अच्छे लगे। तो ये आर्ट के हिसाब से मतलब अकॉर्डिंग टू प्राइस ये बहुत अच्छी डील है, आप ये वाले जरूर बाय कर सकते हैं अपने घर के लिए। ये देखिए इतने सारे हैं, और एक वो उधर चला गया है, मैं लेके आती हूँ उसको।
ये देखिए, ये इतने सारे आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो ये बहुत प्यारे, ये मुझे बहुत पसंद आए, ये इतने सारे क्वेश्चंस मुझे मिले हैं। मुझे इस पूरे होल वीडियो में ये जो क्वेश्चंस का जो पूरा पैक था आठ का, ये मुझे आठों के आठों ही कलर बहुत पसंद आए, बहुत सुंदर लगे। और ये वाली चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली थी। अगर आप आपके घर में कोई डेकोरेशन की कोई चीज चाहते हैं ऐसी, तो आप ये जरूर बाय कर सकते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे से कलर है और बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अमेजिंग क्वालिटी के हैं, तो ये बहुत प्यारे हैं, आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से बहुत सुंदर लग रहे हैं, सारे के सारे बहुत प्यारे हैं, तो ये आप बाय जरूर बाय कर सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू प्राइस आपको बहुत अच्छी रीजनेबल रेट में मिल रहे हैं मीशो पे। बाकी कोई भी चीज, जो दो चीज है वो मैं रिटर्न करने वाली हूँ, एक जो एप्रिल था वो मैं रखने वाली हूँ। बस ये चार ही चीजें मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी मीशो की, क्योंकि मैंने चार ही बाय करी है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।